मथुरा में ब्रज की होली बड़ी धूमधाम से अलग रंगों में मनाई जाती है। बरसाने में और मथुरा ब्रज भूमि और दाऊ जी गोकुल में बड़े अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। अगर कुछ गांवों की तरफ देखें तो होली व होली के मेले का आनंद कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि यहां पर परंपरा बहुत काफी बरसों से चली आ रही है। गांव में होली का कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता है। आपने बरसाने की होली और नंद गांव की होली तो बहुत देखी। जो गांव की होली हुरंगा जो होता है कुछ अलग अंदाज में देखने को मिलता है। गांव वालों का कहना है परंपरा बहुत काफी बरसों पुरानी चली आ रही है। हमारे बड़े बूढ़े और हम नौजवान होली का और मेले का आनंद बड़ी धूमधाम से लेते हैं। मार क्षेत्र में गांव सकतपुर में अलग अंदाज होली के मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर काली माँ गांव में भ्रमण कर झांकी निकाली गई। दूर दराज की आई 32 घोड़ियों को नचाया गया। प्रथम घोड़ी को 5100, द्वितीय घोड़ी को 3100 से पुरस्कृत किया जाएगा। एवं रागनी पार्टी के माध्यम से होली मेला मानते हैं। इसको हुरंगा कहा जाता है और ये परंपरा बहुत काफी बरसों से चली आ रही है। गांव वालों का कहना है कि ये हमारे यहाँ क्या बूढ़े क्या जवान सभी इसका पूरा आनंद लेते हैं। होली के मेले के बाद भजन कीर्तन किया जाता है। आपका अशोक शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत सकतपुर। प्रधान जी, ये बताइए जो मेला आपके यहाँ जो चल रहा है ये कब से चल रहा है? ये मेला कम से कम नहीं तो 250 साल से चल रहा है। हमारे बुजुर्ग यहाँ पहले से चला आ रहा है, बहुत जी। पुरानी प्रथा जी। इस मेले में क्या क्या आइटम आए हुए हैं? जैसे ये बच्चों के खेल खिलौने और ये घोड़ी है, घोड़ी आई हुई है, 100 से 200 घोड़ी है जी। घोड़ी डांस होगा जी और फिर रात को रागनियों का प्रोग्राम होता है, भजनों का प्रोग्राम होता है जी। घोड़ी जो प्रोग्राम है आपके यहाँ उसमें फर्स्ट इनाम कितना दिया जा रहा है? फर्स्ट इनाम 5100 रुपये और सेकेंड इनाम 3100 रुपये।